हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइस, आज है फादर्स डे और फादर्स डे के मौके पर मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा घर की चीज़ों से बनने वाला मावा केक। और आज भी है अगर फादर्स डे, तो आप लोग इसे ज़रूर बना सकते हैं सिर्फ आधे घंटे में। आप लोगों को अगर बाहर का केक नहीं मंगाना है, तो आपके पापा के लिए आप लोग ये स्पेशल मावा केक ज़रूर बना सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और घर की ही कुछ चीज़ों से ये केक बनता है। रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर बनाते हैं मावा केक फादर्स डे के लिए। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है गाइज, वो है आपका जो केक का टिन है, मोल्ड है, उसे तेल से ग्रीसिंग करनी है या ऑयलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो 7 इंचेस का टिन है वो लिया है, और उसे तेल से ग्रीस करने के बाद उसके अंदर एक वाइट पेपर रख दिया है, क्योंकि आज मेरे पास नहीं है बटर पेपर। तो आप लोग कोई भी बिना लाइन वाला जो वाइट पेपर होता है वो इसके ऊपर डालकर उसे भी तेल से ग्रीस कर सकते हैं। अब ये टिन बिल्कुल तैयार है, इसे रख देते हैं साइड में। अब बनाते हैं मावा केक के लिए बैटर। तो यहाँ पर बाउल में हमने 1/4 कप तेल लिया है। इसके बाद हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे, अमूल बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड जो होता है वही यूज़ किया है। आप चाहे तो बटर नहीं है तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दी है गाइस। तो मिल्क पाउडर यहाँ पर मावे का काम करेगी, क्योंकि मावा केक है तो ऑब्वियसली इसमें मावा जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश मावा है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं 1/4 कप। लेकिन मावा ईजिली अवेलेबल नहीं होता है या कई जगह पर नहीं मिलता है, तो आप लोग मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इससे परफेक्ट मावे का काम हो जाता है, परफेक्ट मावे का टेस्ट भी आता है। इसके बाद हमने इसमें 1/4 कप के करीब दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद आपको इसे हल्के हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि कोई भी जो मिल्क पाउडर की लम्स या गुठलियाँ है वो इसमें ना रहे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे गाइस। इस तरह से आपको एक छलनी रखनी है, सारी चीज़ें आपको छान लेनी है, तभी आपका जो केक है बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कहते हैं केक में जाली नहीं आती है, तो छानने से बहुत ही अच्छी जाली आएगी। इसके बाद हमने इसमें 1 कप मैदा, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी डाल दिया है। इन चारों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से छान लेना है। इस तरह से छानने से भी आपका केक एकदम अंदर से जाली और हल्का बनता है, अच्छी तरह से वो फूलता है। तो छानना ज़रूरी है, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। छानने के बाद आपको ये जो बैटर है इसे इस तरह से तैयार करना है। बैटर थिक है, अभी इसमें और थोड़ा सा दूध जाएगा। तो हमने करीबन यहाँ पर 200 ml के करीब दूध दिया है। इसमें से थोड़ा सा दूध यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप के करीब। हल्के हाथ से बस इसे मिलाना है, इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्ब्स नहीं रहने चाहिए गाइस, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से बैटर को आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी, इससे बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग इडली का बैटर बनाते हैं ना, उस तरह से ये होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर बैटर तैयार होने के बाद इसमें डालनी है 1 टीस्पून विनेगर और 1/4 टीस्पून हम लोग इसमें कार्डमम एसेंस डाल देंगे, यानी कि इलायची का एसेंस। आप लोग चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या आपको जो भी फ्लेवर पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मावा केक है तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला देंगे। विनेगर डालने से हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेगा। यहाँ पर बैटर डालने के बाद तुरंत ही आपको इसे टिन में डाल देना है, क्योंकि विनेगर का जो एक्टिवेटिंग पावर है वो ख़त्म होने से पहले ही आपको सारा बैटर मिक्स करके जल्दी से टिन में डाल देना है। बैटर बहुत ज़्यादा देर तक साइड में नहीं रखना है। देख सकते हैं टिन में डालने के बाद आपको 3 से 4 बार इस तरह से इसे टैप करना है, ताकि एक्स्ट्रा की हवा निकल जाएगी और हमारा केक एकदम अच्छी तरीके से इवनली फूलेगा, बीच में कोई भी डोम शेप वगैरह नहीं आएगा। नहीं तो कई बार बीच में खड्डा भी बन जाता है, वो भी नहीं बनेगा। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इस तरह से चॉप करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मावा केक में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये नट्स। तो चलिए, यहाँ पर हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। इसे बेक करने के लिए आज हमने ओवन का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ये जो घर का कुकर है इसे 5 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए या प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर एक जाली या जो छलनी है या प्लेट है, कोई भी आप लोग रख सकते हैं। थोड़ी सी हाइट पर आपको ये जो केक टिन है वो उस जाली पर या प्लेट के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपको ढक्कन रखकर इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक करना है।
चाहे तो यहाँ पर कुकर का ढक्कन भी लगा सकते हैं, लेकिन कुकर की जो अंदर की रबर की रिंग और सीटी आपको निकाल कर रखनी है। मैंने सिंपल एक प्लेट रखी है, तो पूरे 40 मिनट के बाद देख सकते हैं गाइस हमारा केक यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। टूथपिक भी डालकर हमने चेक कर ली है, टूथपिक एकदम क्लियर आ चुकी है, केक अंदर तक पूरी तरह से बेक हुआ है, केक को बाहर निकाल लिया है। केक को कभी भी गरम गरम ही आपको डीमोल्ड नहीं करना है, केक को पहले पूरी तरह से घंटा 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप लोग इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो अब ये पूरा ठंडा हो चुका है, अब इसके साइड्स हम लोग लूज़ कर लेते हैं इस तरह से। देख सकते हैं केक का कलर टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है गाइस। तो आप लोग ज़रूर इस फादर्स डे पे या कभी भी आपको इसे अगर खाना है तो आप लोग ज़रूर बनाकर इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर केक का टिन हमने उल्टा कर दिया है, नीचे का जो पेपर हमने यूज़ किया था देख सकते हैं वो कितनी आसानी से निकल कर आया है। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं रहता है तो आप लोग सिंपल वाइट पेपर का यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल बटर पेपर का काम करेगा। तो देखिए गाइस कितना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुलायम कॉटन जैसा सॉफ्ट हमारा केक यहाँ पर तैयार है, एकदम परफेक्ट एक केक बनता है। सारी चीज़ों का मेजरमेंट भी हमने यहाँ पर एकदम परफेक्ट दिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये टेस्ट में, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से इसे काट कर दिखाती हूँ आपको, काटने से ही यहाँ पर पता चल रहा होगा कि केक अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मुँह में जाते ही ये केक घुल जाता है। आप चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को तो खास करके ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और रेसिपी भी हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर आज आपके साथ शेयर की है, देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा सॉफ्ट इसका टेक्सचर आया है। अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह पर सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी केक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और खाने में भी टेस्टी बनता है। तो आज की ये मावा केक की खास स्पेशल रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो रेसिपी हमेशा की तरह अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नए नए बहुत सारे केक के वीडियोज़ या अदर भी रेसिपीज़ वीडियो हम लोग चैनल पर लेकर आते रहेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अभी पड़ा है, क्योंकि थोड़े से रीजंस भी ऐसे थे कि मैं चैनल पर कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद आप लोगों को कंटिन्यूली वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।